नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी कबाब सीरीज की आज की रेसिपी है चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के अज्जा: कीमा आधा किलो, प्याज दो दरमियानी साइज, अनार दाना दो टेबलस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका। सबसे पहले आप 2 टेबलस्पून अनार दाने को बहुत अच्छे से कूट लें। अनार दाना जब अच्छे से कूट जाए तो फिर उसमें आप 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करके उन्हें भी बहुत अच्छे से कूट लें। अनार दाना, साबुत धनिया और साबुत जीरा जब अच्छे से पिस जाए तो फिर एक मिक्सिंग बोल में 1/2 किलो कीमा शामिल करें। याद रहे, चपली कबाब का कीमा लेते हुए हमेशा दुकानदार को ज़रूर बता दें ताकि वो चपली कबाब के कीमे में थोड़ी सी चर्बी शामिल कर दे, क्योंकि अगर चपली कबाब के कीमे में चर्बी ना हो तो आपकी रेसिपी कितनी भी अच्छी हो लेकिन आपके कबाब टूट के रेजा रेजा हो जाते हैं। इसलिए चपली कबाब का कीमा लेते हुए उसमें थोड़ी सी चर्बी लाजमी शामिल करवाएं। एक मिक्सिंग बोल में 1/2 किलो कीमा शामिल करने के बाद अनारदाना, जीरा, धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करें, हसबे जायका नमक शामिल करें और 2 प्याज बारीक चॉप्ड करके शामिल करें। फिर उसमें 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करें और तमाम इन्ग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। कबाब के टूटने का एक रीज़न ये भी होता है कि तमाम इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स नहीं हुए होते, तो जब आप मिक्सिंग बोल में तमाम चीज़ें शामिल कर लें तो इन्हें बहुत अच्छी सी ताकत से गूंद लें ताकि उसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हों वो ज़ाया हो जाएँ और हमारे कबाब का अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। जब कबाब का अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए तो इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे शामी कबाब के लिए हम एक 1.5 इंच की बॉल लेते हैं, उतनी बॉल लें, उसको गोल करें और उसको थोड़ा पतला कर लें। शामी कबाब हमारे थोड़े थिक होते हैं लेकिन चपली कबाब थोड़े थिन बनते हैं, क्योंकि चपली कबाब अगर हम मोटे बनाएं वो श्रिंक होकर शॉर्ट हो जाते हैं और जायके में भी मज़ेदार नहीं लगते। इसलिए हमें चपली कबाब हमेशा पतले बनाने होते हैं, लेकिन इतने पतले कि वो टूट ना जाएं। चपली कबाब को कबाब की शेप देने के बाद हम इन्हें बहुत मज़े से शैलो फ्राई कर सकते हैं। कबाब को शैलो फ्राई करने का तरीका: एक फ्राई पैन में 1/4 कप या 1/2 कप ऑयल शामिल करें और कबाब शामिल करें और उस वक्त तक कबाब को स्पून से ना छेड़ें जब तक से कबाब की नीचे वाली साइड पैन में इजीली मूव होने ना लग जाए। जब आप देखें स्पून की मदद से आपके कबाब पैन में इजीली मूव हो रहे हैं तो कबाब की साइड चेंज कर दें और दूसरी तरफ से उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब कबाब दोनों साइड से फ्राई हो जाएं तो इनको डिश आउट करके एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी चपली कबाब। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।